नमस्कार, आप देख रहे हैं चेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनव शुक्ला। मुंबई में खेले गए 3 मैचों की सीरीज के पहले एक दिवसीय में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करारी हार झेलनी पड़ी है। यह पहला मौका था जब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से रौंदा। साल 2005 के बाद पहली बार हुआ जब टीम इंडिया को घरेलू सरजमी पर 10 विकेट से मात झेलनी पड़ी। जीत के हीरो शतकवीर कंगारू, कप्तान एरोन फिंच 110 और डेविड वार्नर 128 रन बनाए। रन चेज में टीम इंडिया के खिलाफ फिंच और वार्नर ने सबसे बड़ी साझेदारी भी कर डाली। इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ जमकर रन बटोरे। आइए जानते हैं किन किन वजहों से टीम इंडिया को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। टॉस गवाया, टीम इंडिया लक्ष्य का पीछा करने में माहिर है। ऐसे में कप्तान विराट कोहली का टॉस हारना भी इस मात की बड़ी वजह बना। भारत में लक्ष्य का पीछा करना हमेशा से आसान रहा है, क्योंकि शाम के समय ओस पड़ती है जिसकी वजह से गेंदबाजी मुश्किल हो जाती है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार रहती है, लेकिन टीम इंडिया के बल्लेबाज बड़ा स्कोर खड़ा करने में असफल रहे। बल्लेबाज फेल, टॉस गंवाने के बाद टीम इंडिया को कम से कम 300 का स्कोर बनाना चाहिए था, लेकिन उसकी शुरुआत खराब रही और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा सस्ते में ही अपना विकेट गवा बैठे। शिखर धवन और केएल राहुल ने दूसरे विकेट के लिए शतकी साझेदारी कर पारी को संभालने की तो कोशिश की, लेकिन बाकी के बल्लेबाजों ने रन बनाने में कोई भूमिका नहीं निभाई और लगातार विकेट गिरते गए। अनुभवी मिडिल ऑर्डर धवन और राहुल की शतकी साझेदारी के बाद टीम को बड़ा स्कोर तक ले जाने का जिम्मा मध्यक्रम पर था, लेकिन युवा मिडिल ऑर्डर जिसमें पूरी तरह से फेल हो गया। श्रेयस अय्यर 4 रन और ऋषभ पंत 28 रन जैसे युवा उम्मीदों पर भी खरे नहीं उतरे। कप्तान विराट कोहली नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन वह भी पारी को आगे ले जाने में सफल नहीं हुए। फिनिशर की कमी, निचले क्रम में भी भारत के पास ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था जो बड़ी पारी खेलकर टीम के स्कोर को बड़े टारगेट तक ले जा सके। रविंद्र जडेजा 25 और शार्दुल ठाकुर 13 ने कोशिश की, लेकिन वे भी नाकाम रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुंबई वनडे में केदार जाधव या मनीष पांडे का नहीं होना भारत के लिए भारी पड़ा, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज पारी को संवारने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही जाधव पिछले कुछ समय से टीम में फिनिशर की भूमिका में भी थे। गेंदबाज फेल, पिछले कुछ साल से टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी गजब की फॉर्म में थी, लेकिन इस मुकाबले में उनका कोई भी तीर निशाने पर नहीं लगा। चोट के बाद टीम में लौटे बुमराह अपनी लय में नहीं दिखे तो मोहम्मद शमी ने जमकर रन लुटाए। स्पिनर्स ने भी वार्नर और फिंच के सामने घुटने टेक दिए। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया। उनके गेंदबाजों ने लगातार भारत पर दबाव बनाए रखा। भारत को 10 विकेट से अब तक हराने वाली टीमों में न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है। इनमें से दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 2 बार 10 विकेट से हराया है। साउथ अफ्रीका ने साल 2000 में और साल 2005 में ये कमाल किया था। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे क्रिकेट में पहली बार भारत को 10 विकेट से हराया। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया को पहली बार वनडे क्रिकेट में 10 विकेट से हार झेलनी पड़ी। 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने शायद ही ऐसी हार की कल्पना की होगी, लेकिन ऐसा हुआ और भारतीय टीम की पोल खुल गई। टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करना भी सही फैसला साबित नहीं हुआ। इसके अलावा भारतीय टीम के गेंदबाजों का प्रदर्शन भी साधारण रहा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।